हेलो किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब बताइए? अच्छे हैं? अच्छे हैं, वाह, गुड होना भी चाहिए। नाउ वी स्टार्ट विथ प्ले क्लास, देन नर्सरी, आफ्टर LKG एंड फाइनली UKG। सो किड्स, चलिए आज हम क्यू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्यू लेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग पिछले डे क्या पढ़े थे? पी के बारे में पढ़े थे ना, पी फॉर पैरोट। मैंने एक पिक्चर भी बनाई थी, आप लोगों को याद है, ग्रीन ग्रीन तोता वाला। तो देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ट्रेस द कैपिटल इन स्मॉल लेटर क्यू। हमें कैपिटल क्यू के बारे में भी जानना है और स्मॉल क्यू के बारे में भी जानना है। तो आप लोगों को आज मैं दोनों क्यू के बारे में बताती हूँ, ओके? आइए, ये क्या हो गया? क्यू, क्यू फॉर क्वीन। क्या होता है? क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मींस रानी, आप लोग जानते भी होंगे, राजा रानी, वही वाली रानी। तो यहाँ पे ये तो क्या है, ये एक कंप्लीट क्यू है और मैं ये कभी इनकम्प्लीट क्यू बनाती हूँ। देखिए ये क्या है, ये एक इनकम्प्लीट क्यू है, तो इसको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे? आइए ये देखते हैं, कितने डॉट्स हैं? बहुत सारे डॉट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब बहुत सारे डॉट्स हैं। हमें काउंट नहीं करना है, बस मैं आपको बता रही हूँ इसलिए बताएंगे, ठीक है? अब ये जो डॉट है ना, ये सारे डॉट्स को एक दूसरे से क्या करना है, ट्रेस करना है, ठीक है? जोड़ना है, सारे डॉट्स को जोड़ना है। और ये देखिए बन गया क्यू, ये देखिए ये जैसा क्यू बना वैसा ही बन गया, क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मीन्स रानी, जान गए? कैपिटल क्यू, कौन सा क्यू है ये? कैपिटल क्यू। आइए इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अभी आप लोगों को मैं स्मॉल क्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। तो किड्स देखिए, कैपिटल क्यू कैसे लिखा था, सॉरी स्मॉल क्यू, ये देखिए ऐसे ही लिखना है। ये देखिए, अब जैसे कैपिटल क्यू को हमने बनाया था वैसे ही इसे भी बनाना है। ये क्या हो गया, ये एक पहले क्या था, इनकम्प्लीट क्यू था, अब क्या बन गया, कंप्लीट क्यू बन गया। तो जान गए बच्चों, आज आप लोग कैपिटल एंड स्मॉल की दोनों के बारे में घर पे इसे प्रैक्टिस करना है अपने नोटबुक में और वैसे ही लिखना है। ये देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, आपने बुक लिया है ना, उस बुक में एक कंप्लीट क्यू होगा और दूसरा, मतलब दूसरा बाकी बहुत सारे 10 times दिए हुए हैं, तो सारे क्या है, इनकम्प्लीट क्यू है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है, ओके? और फिर सर्कल द कैपिटल इन स्मॉल लेटर क्यू। एक बड़ा सा सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, ये देख रहे हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, इसमें क्यू भी लिखा है, तो आप लोगों को इन लेटर्स में से क्यू को ढूंढ के उसपे सर्कल करना है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। जान गए आप लोग क्यू कैसे दिखना है? एक बड़ा सा पहले मैं सर्कल बनाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा सर्कल मैंने बनाया, ताकि आप लोग और अच्छे से जान सको। इसमें कैपिटल क्यू,
बहुत सारे लेटर्स मैं लिख देती हूँ। सर्कल करती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा क्यू है और कौन सा अदर लेटर है। ये क्यू है, नहीं ये कौन सा लेटर है, ए लेटर है क्यू का। ये स्मॉल क्यू है, इस पे सर्कल कर देते हैं। एक ये है स्मॉल क्यू, इस पे सर्कल कर देते हैं। अब ये क्या है, ये कैपिटल क्यू है, इसे सर्कल करते हैं। फिर ये यहाँ पे कैपिटल क्यू है, इसे सर्कल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जान गए कैसे करना है, आपके बुक में भी होगा। तो इसे ऐसे ही सर्कल करके जाना है और अच्छे से डीपली जानना है क्यू के बारे में। अब क्यू के बारे में आप लोग जान चुके हैं, अपने घर पे इसे 10 times प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोग भूलो नहीं। और जो आप लोगों ने पीछे पढ़ाई की है ना आप लोगों ने, उसे भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस में ही रखना है, पढ़ाई करते रहना है, खेलना कूदना भी है और पढ़ाई भी करना है। नाउ हिंदी क्लास, लास्ट डे क्या पढ़े थे हम लोग, क के बारे में। क से कबूतर, याद है एक पिक्चर बनाई थी मैंने कबूतर की। आज उतना टाइम भी नहीं मिला और मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उतने अच्छे से आप लोगों के लिए नहीं बना पाई हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं अगले दिन और अच्छे से आप लोगों के लिए बना के लाऊंगी ताकि आप लोग मजे से पढ़ो। लेकिन आज मैंने बनाया है, एक ऐसे ही कलर नहीं किया है, बस बना दिया। ये देखिए, ख से खरगोश, किसकी पिक्चर है, खरगोश की। ख से खबर, खबर जानते हैं किसे बोलते हैं, न्यूज को बोलते हैं, न्यूज जानते हैं ना, पापा देखते होंगे घर पे, दादाजी देखते होंगे घर पे न्यूज, और घर पे क्या आता है, न्यूज पेपर भी आता है। तो ख से खरगोश, ख से खरगोश भी होता है और ख से खबर भी होता है। चलिए तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ख लिखना कैसे है। ये देखिए, ये तो मैं लिख दी ख, और अब आप लोगों को लिखना है कैसे आप लोग लिखेंगे। तो ये मैं एक इनकम्प्लीट ख बनाती हूँ, आप लोग इसे कंप्लीट करोगे। कैसे कंप्लीट करना है, ये देखना है कितने सारे डॉट्स हैं, सारे डॉट्स को एक दूसरे से जोड़ना है, ऐसे ट्रेस करना है, कनेक्ट करना है, और ये देखिए एक कंप्लीट ख बन गया। ख से खरगोश, जान गए ख के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसे इरेज करती हूँ मैं। नाउ वी स्टार्ट मैथ्स। प्रैक्टिस नंबर 13 and 14 इन वन पेज, एक ही पेज पे आज आपको प्रैक्टिस करना है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, 11, 12, आज क्या पढ़ना है 13 and 14 के बारे में। चलिए तो मैं बताती हूँ कि 13 और 14 लिखना कैसे है, और 13 और 14 को लर्न एंड राइट दोनों करना है, यानी कि आप लोगों को पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो आइए 13, ये देखिए ये क्या है 13। अब वो कौन बनाया, वो मैं बनाई ना। चलिए अब आप लोगों को 13 बनाना है, फिर वही बात है, एक दूसरे को सारे डॉट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, और ये देखिए बन गया 13। 13 के बारे में आप लोग जान गए, 10 के बाद क्या होता है 11, 12, 12 के बाद 13। चलिए
14 के बारे में, 13 के बारे में आप लोग जान गए, तो 14 के बारे में आइए। चलिए अब एक इनकम्प्लीट 14 में बना रही हूं, आप लोग इसे कंप्लीट करो। ये देखिए, फिर मैंने एक दूसरे से क्या किया, इस डॉट्स को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। वैसे ही आप लोगों को घर पे करना है, अगर ना समझ में आए तो आपको अपने मम्मा की हेल्प लेनी है। ये देखिए क्या बन गया, 14 1 4 14, 1 3 13, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 4 1 4 14। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए, 14 के बारे में जान गए आप लोग। आप देखिए अब क्या लिखा है, सर्कल द नंबर्स 13 एंड 14। आप लोगों को और अच्छे से जानने के लिए एक बड़ा सा सर्कल मैं बनाती हूँ, उसमें 13 और 14 लिखा हुआ है, उसमें आप लोग बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उस नंबर्स के बीच में 13 और 14 भी छुपा है, आप लोगों को 13 और 14 ढूंढना है। तो कहाँ है 14? पहले चलिए पहले 13 को ढूंढते हैं, 13 कहाँ है, ये देखिए 1 3 13 1 3 13, 1 4 14, 1 4 14। देखिए क्या बन गया, 14 बन गया। समझ गए आप लोग 14 के बारे में। नाउ योर क्लास इज ओवर, आप लोग जा सकते हो, और अगर नर्सरी क्लास की पढ़ाई करनी है तो बैठ के वीडियो देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो प्ले क्लास बब्बर किड्स। हेलो नर्सरी क्लास किड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब, बढ़िया, अच्छा मजे कर रहे हैं घर पे, गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो आप लोग घर में ही रहना, धूप में मत निकलना, और पढ़ाई भी करना, मजा तो करना ही है, खेलना कूदना तो है ही, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी करना है। चलिए तो आज इंग्लिश क्लास है आप लोगों की, और क्या जानना है आप लोगों को, ओ के बारे में, ट्रेस द कैपिटल इन स्मॉल लेटर्स, ओ कैपिटल भी बताने जा रही हूँ आज मैं आप लोगों को, और स्मॉल कैपिटल ओ और स्मॉल ओ दोनों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आइए एक बड़ा सा, पहले मैं एक ओ बनाती हूँ, कैपिटल और स्मॉल ओ दोनों सेम ही होता है, बस कैपिटल थोड़ा बड़ा होता है, स्मॉल ओ थोड़ा सा छोटा होता है। और ये तो कंप्लीट ओ है, अब मैं एक इनकम्प्लीट ओ बना दे रही हूँ, इसे आप लोगों को कंप्लीट करनी है। कैसे करना, तो देख रहे हैं बहुत सारे डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे हैं, सारे डॉट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, देखिए टेस्ट कर देना है, सारे डॉट्स को एक दूसरे से जोड़ देना है, क्या बन गया, ओ बन गया, बन गया ना, ओ फॉर ऑरेंज, क्या होता है किड्स, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑनियन, ऑनियन मीन्स प्याज, ऑरेंज मीन्स संतरा, नारंगी, ये देखिए ऑनियन मीन्स प्याज, आप लोग घर पे प्याज खाते हो सब्जी में, वही ऑनियन मीन्स प्याज, वो किस लेटर से शुरू होता है, ओ से, किस से स्टार्ट होता है, ओ लेटर से, ठीक है, तो वो जान गए आज आप लोग, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को आगे बताने जा रही हूँ, जो उसे ध्यान से देखिएगा,
मेरी ओर कंसंट्रेट करके ये देखिए क्या लिखा है, पुट द लेटर ओ टू कंप्लीट द वर्ड्स। एक बॉक्स बनाया हुआ है, देख रहे हैं मैं बना के आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। और इसमें ये देखिए अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया, ऑड इंच, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, रेंज लिखा है। ये एक खाली बॉक्स है, इसमें क्या लिखना है। आज हम किस लेटर के बारे में जान रहे हैं, बोलो किसके बारे में जान रहे हैं, ओ के बारे में। तो ये खाली जो है, ये जो गैप दिया हुआ है कुछ भी नहीं, इम्पटी इम्पटी है, तो इसमें क्या लिखना है, ओ। तो ये क्या होगा, ये वर्ड्स पूरा हो जाएगा, ओ आर ए एन जी ई, क्या हो गया, ऑरेंज। जानते हैं स्टूडेंट्स आप लोग ऑरेंज, आज ओ के बारे में कि ओ कैसे लिखना है, अपने घर पे अपने नोटबुक में आप लोगों को आज ओ के बारे में अच्छे से जान लेना है, ठीक है। जब स्कूल खुलेगी तो सारे और आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करना, होमवर्क चेक होगा कि आप लोगों ने होमवर्क किया या नहीं। नाउ हिंदी क्लास, चलिए आज हिंदी के बारे में जानते हैं। कह लास्ट डे हम लोग किसके बारे में जाने थे, हाँ हिंदी में ए के बारे में। चलिए तो आज क्या जानते हैं, ओ के बारे में। ओ, ओ कैसे लिखना है, ये देखिए ये एक कंप्लीट ओ लिख दी। ये इंग्लिश वाला ओ नहीं है, ये क्या है, ये हिंदी वाली ओ है। अब एक इनकम्प्लीट ओ, ए आई ओ आउ वाले आउ है, ओ। ये देखिए ये एक इनकम्प्लीट ओ मैंने बनाया। अब देखिए अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, तो सारे डॉट्स को एक दूसरे से जोड़ना है। ये देखिए बन गया एक कंप्लीट ओ, ओ से ओखली। ये देखिए ओ से क्या होता है, ओखली, ओखली आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है ओखली। ये देखिए नहीं देखा है ना, मैंने फोटो बनाई, ये देखिए मैंने पिक्चर बनाई है ओखली की। ये देखो ऐसे ही होती है ओखली, देख लिया आप लोगों ने। अब मैं इसे इरेज कर दूं, अपने घर पे इसे प्रैक्टिस कर लेना है 10 times नोटबुक में। नाउ मैथ्स क्लास आइए, लर्न एंड राइट। क्या दिया हुआ, ये देखिए काउंटिंग दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक मैम लिख दी। इसके बाद क्या होगा, तो देखिए आप लोगों को लिखना भी है और पढ़ना भी है। ये देख रहे हैं जो होमवर्क जाएगा अपने नोटबुक में से कम्प्लीटली करना है। अब आप लोगों को ये दो बॉक्स दिया, इस दोनों में दो बार यही 1 से 1 to 10 रिपीट करके लिखना। 1 लिखा फिर 1 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, ठीक है, फिर 11 तो 12, थर्ड फिर 12, यहाँ 12 यहाँ 12, ऐसे करके 11 से 20 तक सारे बॉक्स में लिखना है। 1 से 10 तक इन दोनों बॉक्स में लिखना है, 11 से 20 तक इस सारे बॉक्स में लिखना है। एक मैं करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, दो बॉक्स, उसके बाद 11 लिखा है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। तो आप लोगों को कैसे लिखना है, फिर 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7
एट नाइन टेन। दो बार आप लोगों को क्या रिपीट करके लिखना है ताकि आप लोग पीछे का भूलो नहीं और अच्छे से जान जाओ। टेन तक हो गया, फिर इलेवन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन एंड लास्टली ट्वेंटी। तो आप लोगों को भी अपने घर पे ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ काउंट द फ्लावर्स एंड राइट ऑन योर नोटबुक। ये जितने भी फ्लावर्स देखा, ये जो फ्लावर्स लिखे हैं सारे को काउंट करके ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिखना है कितने फ्लावर्स हैं। वन टू थ्री, तो थ्री लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या लिखना है, फाइव लिखना है। ये देखिए एक बार करके बताती हूँ। कितने फ्लावर्स है, थ्री, तो यहाँ थ्री हो गया। अब कितने फ्लावर्स है, वन टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो वैसे ही आप लोगों को अपने घर पे इसे करना है। नाउ नर्सरी क्लास, योर क्लास इज ओवर, बाय बाय।